हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी हैं। आज का रेसिपी है एग बटर मसाला। पनीर बटर मसाला और चिकन बटर मसाला दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है, हम सबको मालूम है। लेकिन मेरे रेसिपी को फॉलो करके एग बटर मसाला भी घर में बनाइए और देखिए ये भी कितना ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। लाचा पराठा, तंदूरी रोटी, नान, कुलचा, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, उसमें मैं करीब 10 से 15 काजू गरम पानी में भिगो के रख दूंगी। गरम पानी में काजू को भिगोने से जब इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे ना तो ये एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। गरम पानी डाल के काजू को भिगो के रख देंगे साइड में। मैंने यहाँ पे 6 अंडे बॉयल कर लिया है, बॉयल्ड एग्स का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अब मुझे एक पेस्ट बनाना है। एग बटर मसाला का मेन ग्रेवी वाला पेस्ट यही है। ये वाला अगर आपने बना लिया तो बस आपका आधा से ज़्यादा काम वहीं पे ख़त्म। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिया है कट करके, 1 हरी मिर्ची, 6 से 7 लहसुन के कलियाँ और कुछ हरे धनिए के डंठल। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। साथ ही जो काजू मैंने भिगोया था, ये मिनिमम 15 मिनट तक आप भिगोइएगा, वो भी मैंने डाल दिया है। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच नहीं, 1 चम्मच डालिएगा भर के, और इसी से ही जो मेन ग्रेवी का कलर है वो आएगा टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से। अब सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। मुझे एकदम स्मूथ फाइन पेस्ट चाहिए। देखिए मैंने सारे चीज़ों को मिला के एक पेस्ट बना लिया है और बटर मसाला का जो ग्रेवी है उसका यही है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। चाहे आप पनीर बटर मसाला बनाएं या चिकन बटर मसाला या एग बटर मसाला, यही है मेन ग्रेवी का इंग्रेडिएंट। अब गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें मैंने 1 क्यूब बटर का टुकड़ा डाला है, साथ ही मैंने आधा चम्मच जैसे सनफ्लावर ऑयल डाला है। बस ऑयल इसलिए मैंने डाला ताकि बटर जल ना जाए। इसमें हम एग्स जो है इसे थोड़ा सा टॉस करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा टॉस कर लेंगे। एग के ऊपर मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी नमक छिड़क दिया है, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही थोड़ा सा कटे हुए चॉप्ड धनिया। अब सारे चीज़ों को अच्छे से हम लोग टॉस करेंगे ताकि एग के ऊपर एक मसाले का अच्छा सा लेयर लग जाए। इसे हमें इतना फ्राई नहीं करना है कि बाहर का लेयर क्रिस्प हो जाए या रेड हो जाए, ऐसा नहीं करना है, बस हल्का सा सौते टाइप का करना है ताकि बटर के साथ जितना भी मसाला हमने ऐड किया है उसका अच्छे से एग के ऊपर एक कोटिंग लग जाए। देखिए हो गया है मेरा सारे एग्स टॉस करके। अब मेन बटर मसाला का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई चढ़ा लिया है मैंने और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बड़ा चम्मच सनफ्लावर ऑयल। उसके साथ ही मैं 1 क्यूब बटर इसमें डाल रही हूँ। बटर सिर्फ और सिर्फ एक फ्लेवर के लिए, मेन जो खाना वो तेल में ही पकेगा। अच्छे से तेल और बटर गर्म हो जाए, करीब 10 सेकेंड तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तेल और बटर गर्म हो जाए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ अदरक और चॉप किया हुआ हरी मिर्ची, इन सारे चीज़ों को डाल के अच्छे से इसे 1 मिनट तक भूनेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउनिश कलर आने तक। बहुत अच्छा खुशबू आएगा जब अदरक, लहसुन और मिर्ची एक साथ फ्राई होगा। ये सारे चीज़ों को चॉप करके ही डालिएगा दोस्तों, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिया है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची। ये सब खड़े मसाले भी इसी के साथ डाल के एक साथ भूनिएगा। अब देखिएगा अच्छे से खड़े मसाले का फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाएगा और अदरक लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उस स्टेज में हमें प्याज ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का प्याज को फाइन चॉप करके ले लिया है। अब इस प्याज को हमें अच्छे से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है।
जब तक देखिए ऐसे गोल्डन कलर आना स्टार्ट ना हो जाए। प्याज में ऐसे गोल्डन कलर आने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली हमें फ्राई करना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को एकदम लो पे रखिएगा ताकि मसाला जल ना जाए और कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे भूनिएगा। मैंने यहाँ पे करीब 2 से 3 चम्मच गर्म पानी का इस्तेमाल किया है ताकि मसाला भूनते भूनते जल ना जाए। अगर मसाला जल गया तो पूरा ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो एकदम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर लगे कि मसाला जल सकता है तो आप थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच गर्म पानी डाल सकते हैं। एक बार गर्म पानी डाल के मैंने अच्छे से भून के पूरा पानी सुखा के चारों तरफ से तेल निकलना स्टार्ट होने तक फ्राई किया है। जैसे ही हो गया है उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा पानी डाल के फिर से भून के तेल निकल के आ गया है बाहर, तब तक फ्राई किया है। अब इस स्टेज में मैंने ऐड किया है इसमें 1 चम्मच नमक और साथ में जो मैंने ग्रेवी पीस के रखा था ना, जो सारे चीज़ें मैंने मिक्सी में पेस्ट करके रखा था वो मिक्सचर मैंने डाल दिया है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से भूनेंगे और इसे हर 1 या 2 मिनट में आपको चलाते जाना है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें काजू है और काजू रहने से क्या होता है कि काजू कढ़ाई के तले पे चिपकने का टेंडेंसी रहता है, इसीलिए आपको ऐसे चलाते जाना है कंटिन्यूसली। साथ ही मैंने इसमें 1/2 चम्मच गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें तब तक इस ग्रेवी को भूनना है, देखिए जब तक ये पूरा कलर भी चेंज हो गया और चारों तरफ से तेल निकलना स्टार्ट हो गया, कढ़ाई का साइड्स भी ये छोड़ने लग गया, तब तक इसे हमें कंटिन्यूसली भूनना है। इस प्रोसेस में लग जाएगा करीब 8 से 10 मिनट। जैसे ही वैसा हो जाएगा तब आप इसमें 1/2 कप गर्म पानी ऐड कीजिए और भूनना चालू रखिए। 2 या 3 बार इसे आप ऐसे ही भूनिए कि आप पानी डालिए और भूनते भूनते तेल निकलना स्टार्ट हो जाए तब तक भूनिए। देखिए मेरा 2 से 3 बार भुनाई ख़त्म हो गया है, ग्रेवी परफेक्टली रेडी है बटर मसाले का। इस स्टेज पे मैंने जो भी फ्राई किया हुआ अंडे था वो ऐड कर दिया है। अंडे ऐड करने के बाद इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भुना है। देखिए चारों तरफ से तेल आना स्टार्ट हो गया, कलर भी एकदम परफेक्ट आया है बटर मसाले का। कलर जो है कोई भी बटर मसाला, पनीर, चिकन, एग, कुछ भी, इसका ऐसे ही होता है, ग्रेवी क्रीमी ग्रेवी है। इसके साथ मैंने इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ऑलमोस्ट मेरा रेसिपी जो है वो डन हो गया है। अब एकदम लास्ट में मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल अब आप कीजिए ज़रूर, अगर घर में ना हो अवेलेबल तो आप दूध का जो मलाई जमता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम टेस्ट आता है। साथ ही मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा पैन में ड्राई रोस्ट करके उसका हाथ से रगड़ के पाउडर बना के ऊपर से दे दिया है। कसूरी मेथी से जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेट हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बस हो गया है, ढक के इसे छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम में ताकि थोड़ा सा तेल निकल के आ जाए। और बीच में एक बार खोल के मैंने इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर दिया था। हो गया है मेरा बटर मसाला रेडी, बस इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम में रखेंगे। देखिए चारों तरफ से तेल आना स्टार्ट हो गया है, परफेक्ट ग्रेवी बन के रेडी हुआ है। टेक्सचर भी परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, इतना ही ग्रेवी हमें चाहिए। एकदम कंसिस्टेंसी भी करेक्ट है। गैस ऑफ करके स्टैंडिंग टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब इसका कर लेते हैं प्लेटिंग। एक बटर मसाले को मैंने प्लेटिंग कर लिया है और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम के साथ मैंने गार्निश कर लिया है। साथ ही मैंने ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी पाउडर छिड़क के उसका गार्निशिंग को कंप्लीट कर लिया है। एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल एग बटर मसाला बनके रेडी हो गया है घर में ही। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी रेसिपी है, बहुत ही फटाफट बन जाता है। आप घर में एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा। अगर आप चाहे तो सेम ग्रेवी सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए एग के जगह पे पनीर या चिकन का इस्तेमाल करके ये रेसिपी बना सकते हैं। आई होप कि आप सबको यह ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, बाय बाय।